नेक्स्ट सीन ली और शिन को शिन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ शिन गेम खेल रहा होता है। वहीं ली कॉमिक पढ़ रहा होता है, जहाँ शिन कहता है, तुम सच में कॉमिक पसंद करते हो, मैं मानता हूँ तुमने अपने लिए एकदम सही जॉब ढूंढ ली। ली कहता है, और तुम्हारे बारे में? शिन कहता है, ओ ये सही है, जब हम इस तरह साथ होते हैं जैसे फिर से हाई स्कूल जैसा लगता है। हम पीई छोड़कर क्लासरूम में छिप जाते थे, जब तक तुम कॉमिक पढ़ोगे मैं गेम खेल लूंगा, इस तरह हम करीब आ गए। देन शिन कहता है, वो दिन क्या थे, है ना? ली कहता है, तुम ही हो जो खुश थे। देन शिन कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पता? ली कहता है, क्या? शिन कहता है, जब मैं गेम खेलकर सो गया तुम मुझे घूरते थे। ली कहता है, क्या मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? शिन कहता है, तुम सच में क्यूट हो, मैं अब अपनी आंखें बंद करूंगा, तुम जो चाहते हो उसे देखो, तुम जो चाहे करो। जिसे ली उठकर शिन को किस करता है। देन शिन कहता है, यहाँ आओ। ली कहता है, रुको। शिन कहता है, क्या तुमने एक किस चुराया? ली कहता है, मैं हार मानता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस में शिन को आते दिखाया जाता है, जो अपने सामने ली को देखता है, जो जैमी की फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। जैमी भी वहीं होती है। शिन को ये सब देखकर जेलस फील हो रहा होता है। तभी पीछे से ताई आता है, जो कहता है, किसने कहा कि मेरे पास टैक नहीं है, मींस ट्रिक। शिन कहता है, ताई कहता है, प्लीज उसे जाने दो, उन्हें परेशान मत करो, जिसका मेंशन जैमी करती रही है, लैन की जाने मन। शिन शॉक्ड होकर कहता है, जाने मन? ताई कहता है, हाँ जाने मन। लैन के ऑफिस ज्वाइन होने पर ब्लाइंड डेट का प्लान बनाया गया था, क्या तुम नहीं जानते थे? जैमी ने इतने लंबे समय से इसकी अरेंजमेंट की है, इसलिए हम उन्हें बीच में ना रोके, चलो साथ में लंच करते हैं, केवल हम दोनों। देन ताई कहता है, तुम वैसे फोन पे क्या देख रहे थे? मुझे देखने दो। ताई पिक देखता है उन दोनों की और कहता है, ये क्या है? उसके बाद हमें ताई और शिन को लिफ्ट का वेट करते दिखाया जाता है, जहाँ शिन शॉक्ड होकर कुछ सोच रहा होता है। देन ताई कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है एडी? तुमने एक भी बाइट नहीं खाया। तभी वहाँ ली और जैमी आते हैं। ली कहता है, क्या तुम दोनों ने अपने खाने का मजा लिया? ताई कहता है, क्या तुम दोनों ने मस्ती की? जैमी कहती है, ये एक सीक्रेट है। देन ताई और जैमी वहाँ से चले जाते हैं। देन वहाँ दोनों अकेले ही होते हैं। शिन कहता है, हे वो क्या था? ली कहता है, ओ क्या? वह जैमी की दोस्त थी, उसने कहा कि वो मेरी ड्रॉइंग की फैन है, तो हम आज मिले। जिसे शिन कहता है, तो ये एक फैन मीटिंग थी, ब्लाइंड डेट नहीं। ली कहता है, हाँ। ली कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें जेलस हो रही है? शिन कहता है, हाँ मुझे जेलस हो रही है, कौन नहीं होगा, मेरा बॉयफ्रेंड अभी अभी ब्लाइंड डेट पर गया था। ली कहता है, बॉयफ्रेंड? शिन कहता है, हाँ। शिन कहता है, क्या ये सच नहीं है? ली कहता है, क्या तुम पागल हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा? शिन कहता है, तो क्या हुआ, ये ठीक है। इस तरह दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। सामने लिफ्ट ओपन होती है, जिसमें सनी होती है, जो ये सब देख लेती है। तभी शिन कहता है, सनी क्या तुमने अपने खाने को एंजॉय किया? सनी कहती है, तुम दोनों इन दोनों बड़े फ्रेंडली हो, गुड। तभी वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली और शिन छत पर बैठे होते हैं, जहाँ ली कह रहा होता है, तुम सच में बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो। शिन कहता है, तो क्या हुआ, किसी को हमारे डेटिंग से कोई प्रॉब्लम है? उन्हें यहाँ ले आओ। ली कहता है, हम नहीं जानते कि क्या होगा। शिन कहता है, और? ली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं वैसे भी वापस नहीं आऊंगा। शिन कहता है, तो ये ऐसा ही है, तुम कभी वापस नहीं आओगे, तो ये ऐसा है? ली कहता है, मेरा मतलब ब्रेकअप नहीं था। जिससे शिन ली को किस करता है। ली कहता है, बी केयरफुल, हम कंपनी में हैं। शिन कहता है, ये ऐसा कहना बंद करो, मैं आखिरकार इतने समय के बाद तुम्हें फिर से मिला हूँ। ली कहता है, आई एम सॉरी। शिन कहता है, यदि तुम सॉरी चाहते हो तो ये ठीक है, अगर तुम्हें खेद है तो फिर से भागना मत। ली कहता है, जरूर। शिन कहता है, दूसरे लोगों को देखकर इस तरह मुस्कुराए नहीं, अगर जैमी कुछ ऑफर देती है तो उसे मना कर दो, एक ब्लाइंड डेट की तरह। ली कहता है, क्या, क्या तुम अभी भी जेलस हो? ली कहता है, एक और बात, काम करने के लिए ऐसे क्यूट कपड़े, मींस प्यारे कपड़े मत पहनो, वह मेरे फेवरेट है। गाइस उसका मतलब ये था, वो ही सिर्फ इस कपड़े में उसे देखे। शिन कहता है, मुझे इससे नफरत है जब दूसरे लोग तुम्हें देखते हैं। ली कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि अब मुझे कैसे काम करना है? शिन कहता है, गुड। ली कहता है, क्या? शिन कहता है, तुमने सोचा था कि ये हाथ तुम्हारे हाथ को पकड़ने वाले हैं, पर नहीं, ये हग है। ली कहता है, कोई आ सकता है? शिन कहता है, कोई नहीं आ रहा है। ली कहता है, देखो वे आ गए। शिन कहता है, मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, मुझे 3 मिनट दे दो। ली कहता है, नहीं। शिन कहता है, फिर 1 मिनट, कुछ देर ऐसे ही रहने दो, कोई नहीं आ रहा है। तभी ली कहता है, ओ मैसेज आया। शिन कहता है, झूठ। ली कहता है, सच में देखो, मुझे उसे पढ़ने दो। ओके 1 मिनट। शिन कहता है, जल्दी वापस आना। देन ली मैसेज रीड करने जाता है, पीडी हान का होता है, जिस पे लिखा होता है, ये पीडी हान है, मैंने अपना नंबर बदल लिया है, मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या तुम मिलना चाहोगे? जिससे ली चुप सा हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के बीएल ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।